राइट, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए हमने डेवलप किया, अकेला ब्रेन के लिए नहीं है कि आपको नींद नहीं आती तो आप तब खाएंगे, स्ट्रेस पे रहते तब खाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला जो गजनी वाला मतलब इस टाइप का, यानी कि 40 साल के बाद क्या होता है बोलने की चीजों को याद ना रहने वाली प्रॉब्लम, इस टाइप की सारी चीजें जो ब्रेन से कोऑर्डिनेट होती है, जो ब्रेन से कंट्रोल होती है। आप इलनेस में नहीं, जरूरी नहीं आप इलनेस में खाएं, आप वेलनेस में भी यूज कर सकते हैं। मैंने कॉम्बो इसलिए बनाया कि इलनेस है वो भी हील होगी और वेलनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बीमार को ही ढूंढना है, बीमार को नहीं ढूंढना है। आप इसके आप इंग्रेडिएंट पे फोकस करेंगे तो आप DHA मालूम है ना सभी को, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, यानी कि ये ओमेगा फैटी एसिड होता है जो ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो हमने इसमें सप्लीमेंट कर रखा, मींस ब्रेन की सेल को सपोर्ट करता है। एर्थीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, कोलीन एंड एसिटल कार्टिटाइड, फॉस्फिडाइल सीरीन, ल्यूटीन और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को छोड़ के ऊपर वाले जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो बॉडी और ब्रेन को कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेटर कौन है? ये वाले इंग्रेडिएंट इसमें कोऑर्डिनेटर है, यानी कि आपकी बॉडी से और ब्रेन को एक दूसरे के साथ हाथ मिलवाते हैं कि भाई आप दूर चले गए हैं, आप हाथ मिलाएं और वापस से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, राइट? मैंने पहले कोऑर्डिनेट किया है, आप अलग अलग करेंगे, राइट? यानी कि आपकी ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेटर के लिए हमने वो मैसेंजर डाले हैं उसमें, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया, वो मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे डाकिया एक पोस्ट ऑफिस से आप तक डाक पहुंचाने का काम करता है, तो आपके ब्रेन से भी वही केमिकल रिलीज होते हैं, यानी कि पोस्टमैन की तरह आपके केमिकल रिलीज होते हैं, वो आपकी बॉडी तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। यदि आपका ब्रेन नेचुरली तरीके से उनको नहीं बना पा रहा तो हमने उसको सप्लीमेंट फॉर्म में उनको दे दिया कि आप अपनी बॉडी तक पहुंच सकते हैं, हर सेल तक पहुंच सकते हैं, ब्रेन का मैसेज पहुंचा सकते हैं। मींस आपकी जो पोस्ट है, आपका जो ब्रेन चाहता है आपकी बॉडी को उनके थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है, मींस मैसेज पहुंचा सकता है। यदि बात करें जिंको बिलोबा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही हैं। ये बेसिकली ब्रेन की स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको इनहांस करने के लिए, और अच्छी नींद भी आती है इससे। टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट, हल्दी, क्यूर्क्यूमिन होता है, वो सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं उसमें सर्कुलेशन बढ़ाता है। एस्ट्राजेंथिन भी आप लोग पढ़ के आए होंगे इस इंडस्ट्री में, एस्ट्राजेंथिन भी बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट के साथ आती हैं, कुछ कंपनियां तो एस्ट्राजेंथिन के साथ भी आई है। और माने या ना माने, एस्ट्राजेंथिन 2 mg से ज्यादा डालते ही नहीं है, और एक प्रोडक्ट का रेट भी 2000 होता है अकेला एस्ट्राजेंथिन 2 mg में। ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाल है। बट ब्रेन की जहां तक बात आती है तो अकेला एस्ट्राजेंथिन ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो उसको उसकी ब्रेन की वॉल को क्रॉस कर सकता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट दे सकता है। ट्रांस रेस्पिरेटरी, आप जोनेसिस की थोड़ी बात कर लेते हैं। कंपनी बेसिकली ट्रांस रेस्पिरेटरी की थीम को लेके आई। बेसिकली ये कंटेंट होता है आपका जो काले वाला अंगूर होता है, रेड, जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आता है उसमें ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, और इसी की वजह से रेड वाइन भी आपके लिए हेल्दी होती है। जो रेड वाइन का एक्टिव कंपोनेंट होता है ट्रांस रेस्पिरेटरी होता है, इसी की वजह से रेड वाइन और ये सारी चीजें और बहुत सारे आप ग्रेप सीड वगैरह आप देखते हैं, इसकी वजह से वो लिया जाता है। ये भी बेसिकली हार्ट के लिए और ब्रेन के सर्कुलेशन के लिए, जो सेल्स उसके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। गनोडर्मा एक्सट्रैक्ट आपका क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ब्रेन के लिए उसमें वो ओमेगा मिलते हैं एक्सट्रैक्ट में जो ब्रेन की सेल्स को डेवलप करने का या मेंटेन करने का काम करते हैं। रोडिया रोजा, लिंसमैन एक्सट्रैक्ट, बोकोपा मोनरी एंड अश्वगंधा, और यदि बात करें जिंजर रूट पाउडर, जिंक्शन। अब यहां से जिंक्शन तक आप जितनी भी हम देख पा रहे हैं, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपके ब्रेन की स्ट्रेस पे बात करें या आपके ब्रेन की
एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी की बात करें या आपके रिलैक्सेशन पावर की बात करें या सर्कुलेशन की बात करें, ये सारी हर्ब्स मिलके एक डॉक्टर की तरह काम करती है। आप उसके साथ ही आप बोल सकते हैं ना किसी चीज की इलनेस के बारे में, तो यहां तक ये डॉक्टर का काम कर रहा है। आप फूड साइंटिस्ट भी थे आपकी कंपनी में, फूड साइंटिस्ट का भी अपना काम था, तो फूड साइंटिस्ट कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ना, देखना चाहते हैं? यस। अब फूड साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि ब्रेन को और क्या चाहिए जो फूड्स के थ्रू हम लेते हैं, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन D3, विटामिन B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये इस अमाउंट में डाले गए हैं कि आपकी ब्रेन की वेलनेस का ये काम कर सके।